जोरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाय दितिः पञ्चजनाय दितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरौकधयः शान्तिर्वनस्पतयः। हमारे लिए साइन समिति के लिए हैं आदरणीय संतोष जी, जो आयोजन समिति के और आयोजन उद्घाटनकर्ता महोदय के बीच में काफ़ी सुंदर कॉर्डिनेट कर रहे थे। हमारे विशेष उनका बहुत बहुत स्वागत। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। जिला पदाधिकारी महोदय ने शुभकामना दी है और उन्होंने कहा कि कल ये जहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, अभी वो फिर पैंती से लौट रहे हैं, इस क्रम में हैं। क्योंकि जो भी आवरे स्टूडेंट, मैं तो एलिट ग्रुप के बारे में नहीं बोलते, एवरेज फैमिली से भी बच्चे लोग यदि अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो जो भी वो चाहते हैं उन लोगों को कर सकेगा। इसीलिए ये सबसे पहले जब हम लोग बोलते हैं तो खराब चीज बागपुर हमारे भूमि सुधार मंत्री आदरणीय श्री रामनारायण मंडल जी, मंच पे मंचा सिंह, हम सबके गार्जियन शिक्षाविंद्र आदरणीय राजीव कांत मिश्रा जी, भागलपुर की महापौर सीमा शाह जी और इस स्मार्ट सिटी के स्मार्ट डिप्टी मेयर भाई राजेश वर्मा जी, डॉक्टर नेहा गुप्ता जी और इस पूरे बिहार के पटल पर और पूरे अंतर्राष्ट्रीय में अपने भागलपुर के नाम रोशन करने वाले सेंट जोसेफ के फादर वर्गीस साहब और इस अंग महोत्सव के संरक्षक परम आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप महान अधिवक्ता आदरणीय अभयकांत झा जी। हमेशा जब भी ये कहीं बाहर से आते हैं, सऊदी जाते हैं या किसी भी अदर कंट्री जाते हैं, तो घर पर बुलाकर जरूर खजूर और जो भी चीजें वहां से लेकर आते हैं एक बेटे की तरह मानते हैं, इतना प्यार और सम्मान देते हैं। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर भागलपुर के सभी कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। ऐसे नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय जियाउर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद, हम जैसे हमसे 10-20 साल सीनियर और हमसे 10-20 साल जूनियर तक के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आज एक मुकाम हासिल कराने वाले ऐसे हमारे बीच फादर वर्गीस, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागलपुर की पहचान को कायम करने का काम किया है, भागलपुर की बेटी आदरणीय श्री डॉक्टर नेहा गुप्ता जी। मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ इस शहर से, नृत्य से, अभिनय से, परंतु अब ना कुछ दिनों में ऐसा समय आ गया है कि थोड़ा इनसे दूर चली जाऊं, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ लिख कर यही बड़ा होना पड़ता है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करूँ कि आप सभी का, पूरे शहर का नाम रोशन कर सकूँ और आपका आशीर्वाद सदा पाते रहूँ। मुझे याद है अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे तो सोची कि रोना आ रहा था कि हो सकता है अगले साल अगर मैं बाहर पढ़ने चली जाऊं तो मैं वापस स्टेज पे नहीं आ पाऊं। तो इसलिए मैं आप सभी के सामने आज एक नृत्य प्रस्तुत करूंगी और अपना बच्चा समझ के अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। माधव जी इधर देखिए, अभी और इधर कौन है? उपाध्यक्ष
है ठीक है पर वो मोबाइल चल गया। श्री राकेश रंजन केसरी जी से अनुरोध है कि जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आयोजन समिति को श्री रमन पाली से अनुरोध है कृपया और